क्लासिक लेने गए थे और लेके आ गए हंटर 350। नई जनरेशन की बुलेट कहलाएगी क्योंकि यार ये गाड़ी थोड़े अलग लेवल की बनाई है। ज्यादा अच्छा करा आपने क्योंकि कंपनी में जाओगे तो कितना 3500 रुपए का कार दे रहे हैं, 3500 रुपए देगा। लेकिन सबसे ज्यादा मजा इसमें साउंड का कब आता है मालूम, जब इसको थ्रोटल लेंगे। सिटी में भी चलाओगे आप तो एकदम इतनी कंफर्टेबल है जैसे आप बाइक चला रहे हो, तो साइन वगैरह चलती है इतनी। तो भाई ये बस, लेकिन ये 60 के नीचे चला नहीं सकते हो क्योंकि ये गाड़ी चलती नहीं 60 तो नहीं ये गाड़ी क्लासिक लेने गया था। सर क्लासिक लेने गया था, देखने के बाद तो मैंने चलो यही लेंगे भैया। मैंने इसको चूज करी है एक तो इसके एवरेज के मारे और जो। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये आपको देखने को मिल रही है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 cc इंजन में, देख सकते हैं आप। आज हम जा रहे हैं इस गाड़ी का वीडियो बनाने जिसमें आपको दिखाएंगे छोटा सा एक रिव्यू, और साथ में हमारे साथ में है ओनर, इसके ओनरशिप रिव्यू भी आपको इसमें बढ़िया से दे देंगे कि क्या क्या इस ओनरशिप रिव्यू में आपको देखने को मिलेगा, कि ओनर जो है इस गाड़ी से खुश है कि नहीं, क्यों इस गाड़ी को ली, क्या इस गाड़ी को लेना अभी सही है और कैसा क्या मामला रहेगा आज की इस वीडियो में सारी डिटेल आपको देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेबल द बाइकर बॉय। तो ये है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 cc इंजन की गाड़ी जो कि आप सामने देख रहे हैं। गाड़ी का लुक आपको एक छोटा सा जो है बुलेट लुक भी देगा और छोटी सी जो है एफजेड लुक भी दे देगा, लेकिन ये है कि गाड़ी बहुत बढ़िया है। अभी फिलहाल इसको 2-3 बार मैंने ट्राई करी है, गाड़ी को चलाया है, लंबा 5-6 किलोमीटर की रनिंग इसको मैंने करी है और वाकई में मैं बता रहा हूँ भाई कि इस गाड़ी का जो है मैं फ़ैन बन गया। वो कैसे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे। फिलहाल इसका एक छोटा सा रिव्यू दे दूँ मैं आपको कि क्या क्या इसमें खास देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की, 350 cc का इंजन है, एक सिलेंडर इंजन की गाड़ी आपको ये देखने को मिल जाएगी। इस BHP की जो है 20 BHP की जो पावर प्रोड्यूस करती है और 6100 का इसका RPM आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। टॉर्क की बात करें तो 27 Nm का इसका टॉर्क देखने मिल जाएगा और 4000 RPM का इसमें आपको इसकी जो फ्यूल डिलीवरी है वो इसमें अब कार्बोरेटर नहीं आता है, इसमें जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आता है, अब मतलब फ्यूल इंजेक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि अब इसमें नई गाड़ियों में BS6 गाड़ियों में कार्बोरेटर का सिस्टम ही हटा दिया, इसलिए आजकल जो है सारा सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया, जिससे फायदा भी है और कुछ नुकसान है वो एक अलग बात है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको जो है एयर कूल सिस्टम इंजन मिल जाता है जिसमें आपको ठंडा करने के लिए एयर से ही जो है गाड़ी ठंडी हो जाती है। इसमें किसी भी तरीके का वो आपको रेडिएटर देखने को नहीं मिल रहा है, सामने देख सकते हैं आप, और ये एयर से ही जो है ठंडी होता है इसका इंजन, जैसे कि पुराने टाइम के जो बुलेट है उस तरीके से इसको बनाया गया है। बात करें इसके टंकी की कैपेसिटी की तो 13 लीटर का ये है टैंक आपको देखने को मिल जाएगा, और बात करें इसके माइलेज की तो 36 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अब कितना माइलेज दे रही है वो आपको ऑनर ही बताएंगे, हमारे साथ में वसीम भाई हैं, इनको भी अभी सामने लेंगे। 181 किलो के वेट ये गाड़ी जो है रखती है वजन, तो 181 किलो ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, तो बुलेट को आपको माने तो मिनी बुलेट है। लेंथ इसकी जो लंबाई है वो 2055 mm की है, इसकी विड्थ जो है वो 800 mm की है, हाइट जो है 1055 mm का है। व्हील बेस की बात कर ले, व्हील बेस इसका कितना आ रहा है, मतलब 1055 का इसका mm का व्हील बेस आ रहा है, 1370 का इसका mm का व्हील बेस आ रहा है। अब बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो लगभग 150 mm का जो है इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। सीट की हाइट की बात करें तो सीट हाइट आपको जो है 800 mm की इसमें देखने को मिल जाएगी, जैसे अभी वसीम भाई बैठेंगे। वसीम भाई हाइट क्या आपकी, लगभग 5-6, 5-7 होगी, 5-6, 5-7 की हाइट है, और देख सकते हैं वसीम भाई बिल्कुल कंफर्टेबल आराम से इस पे बैठे हुए हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, इसका ओनरशिप रिव्यू। ओनरशिप रिव्यू में इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आपको बताएंगे वसीम भाई। सबसे पहले भाई वसीम भाई तो आप हेलो करते हैं हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर को। तो वसीम भाई रॉयल एनफील्ड 350 हंटर लेने का प्लान कैसे बना? प्लान अपना मेरा चल तो रहा था क्लासिक 350 लेने का अपना, मतलब बुलेट का प्लान चल रहा था, मतलब जो रॉयल एनफील्ड में घुसा हाँ। वो सबसे पहला प्लान था उसका बुलेट ही होना चाहिए अपना, लेकिन फिर मैंने इस गाड़ी को देखा पहले हाँ। तो मैंने बोला यार गाड़ी तो बढ़िया है, चला के देखते हैं एक बार ट्रायल ली वहाँ पर हाँ। तो चलाने में बहुत कम्फर्टेबल है ये बाकी गाड़ी, जैसे आप सिटी में भी चलाओगे आप तो एकदम हाँ। इतनी कंफर्टेबल है जैसे आप बाइक चला रहे हो, तो साइन वगैरह चलती है इतनी। तो भाई ये वसीम भाई जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, इस गाड़ी को चलाने के बाद में मैं इसका फैन हो गया हूँ, इसलिए यार कि इतनी कंफर्टेबल है और साथ में मतलब इतना रोड को पकड़ के चल रही है गाड़ी कि यार मैं बता नहीं सकता कितना मजा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। ये एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर आप बुलेट लेने जा रहे हैं और रॉयल एनफील्ड की क्लासिक स्टैंडर्ड वगैरह लेने जा रहे हैं तो एक बार कंपनी में जाके इस गाड़ी को ट्राई कर लेना, आपका नहीं मन बदल जाए तो आप कमेंट में बता देना मुझे कि यार ये चीज़ मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, इसलिए यार कि भाई बुलेट के मैं वीडियो बनाता हूँ, आपने सलीम भाई की कितनी मोटिवेशन की वीडियो भी देखी होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे,
लेकिन ये जो गाड़ी है क्लासिक जो हंटर 350, इस गाड़ी का मैं फैन बन गया हूँ इसलिए क्योंकि यार ये बुलेट से ज़्यादा मज़ा देने वाली गाड़ी है और ज़्यादा आपको जो है कंफर्टेबल फील कराने वाली गाड़ी है। गाड़ी भी हल्की है, गाड़ी की पकड़ है रोड पे वो बहुत शानदार है। तो वैसे मैं क्या बता रहे थे आपकी, मतलब कैसे आपने ये गाड़ी चॉइस करी? मैंने इसको चूज करी है एक तो इसके एवरेज के मारे और जो इतनी कंफर्टेबल चलती है उस मारे अपन ने इसको। तो पहले क्लासिक लेने गए थे कंपनी में, गए थे क्लासिक लेने गए थे या फिर क्लासिक लेने गया था? अच्छा क्लासिक लेने गए थे। देखने के बाद तो मैंने तो यार बिल मैं बता रहा हूँ वसीम भाई का फैसला जो है बिल्कुल सही है। वो वजह क्या है कि इसको एक बार आप चला के देखना, तो चलाने के बाद में आपको सारी चीज़ समझ में आएगी कि क्यों वसीम भाई ने क्लासिक लेने गए थे और लेके आ गए हंटर 350। तो वसीम भाई अभी क्या है माइलेज दे रही है आपको फिलहाल? माइलेज दे रही है अपन को 35 के दे रही माइलेज अपन 35 का, मतलब अपने टैंक टू टैंक का देखा या फिर उसमें मीटर में देखा अपने? मैंने डला के देखा था पहले, कम से कम 3 लीटर के आसपास डला था, फिर चला के देखा मैंने बाईपास पे, तो उस पर देखा तो 35 के आसपास दे रही। तो बाईपास में अगर आप लॉन्ग रूट पे चलाएंगे तो 35-36 उससे ज्यादा भी निकाल सकती है अगर आप 60 के नीचे चलाओगे तो, लेकिन ये 60 के नीचे चला नहीं सकते हो क्योंकि ये गाड़ी चलती नहीं। ये गाड़ी मैं सिटी में चला रहा हूँ, अभी इंदौर में हूँ इंदौर में होने के बावजूद मैं सिटी में चला रहा हूँ, ये गाड़ी मुझसे भी 60 के नीचे नहीं चल रही क्योंकि गाड़ी यार इसका जो साउंड है, फ्लाई का साउंड सुना था वसीम भाई यार, ये देखते इसका जो है इस तरीके से मीटर चालू होता है और वसीम भाई ने लगभग 2000 किलोमीटर चला दी जिसको ओनरशिप रिव्यू के लिए काफ़ी है। तो एक बार इसका साउंड सुनो आप, तो ये देखो ये तो हो गया एक नॉर्मल साउंड जो कि आपको गाड़ी स्टार्ट करने पे मालूम पड़ेगा। ये देखते हैं आप पीछे, आप देखते हैं कि आधा बुलेट का साउंड मिलेगा आपको, आधा जो है आपको स्पोर्ट बाइक टाइप में उसमें देखने मिलेगा, और लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें साउंड का कब आता है मालूम? जब इसको थ्रोटल लेंगे, ये जो इंजन में अलग से साउंड बनता है वो कसम से यार, जब इसको आप भगाओगे 70-80 किलोमीटर पे तो ये जो इंजन का साउंड है ये मेरे को पर्सनली बहुत प्यारा लगा है। तो ये इंजन के साउंड का मैं भी फैन हो गया हूँ इस गाड़ी का, क्योंकि ये गाड़ी जब आप बुलेट को चलाओगे और इसको चलाओगे तो ये इंजन के साउंड की वजह से आप इसके फैन बन जाओगे। तो वसीम भाई भी लग रहा है गाड़ी चलाने करने में फैन बने इसके, है ना? तो इसको भी फिलहाल बंद कर देते वसीम भाई। बात करें आपके ये ऑन रोड प्राइस में, तो ऑन रोड प्राइस में कितनी पड़ी आपको इंदौर से लिया आपने गाड़ी? हाँ, मेरे को ये पड़ी है कम से कम ये 2 लाख के आसपास हमको पड़ी है, प्लस मैंने एसेसरीज में लगवाया था, सीट वगैरह लगवा, ये एसेसरीज आपने अलग से लगवाई है ना? हाँ, तो ये नहीं अभी ऑन रोड कितना पड़ गया आपको, मतलब आपने जब गाड़ी ली थी कैश में ली थी फाइनेंस करी थी? कैश में ली थी मैंने, 2,01,000 रुपए की पड़ी थी। 2,01,000 रुपए के आसपास में ये इसको आपको कैश में पड़ी थी। उसके बाद बात करते हैं फिर आपने एसेसरीज लगवाई, इसमें क्या क्या लगवाया? एसेसरीज में पीछे का ये लगवाया है, एक तो ये लगवाया आपने, एक लेफ्ट गार्ड लगवाया है, ये लगवाया, ये आगे का कांच लगवाया है। इसके अलग अलग प्राइस बताया आपको? प्राइस तो इसके ये आपने कितने में लगवाया? ये तो अपने लोकल लगवाया है 500 रुपए का। ये ज्यादा अच्छा करा आपने क्योंकि कंपनी में जाओगे तो कितना 3500 रुपए का कार्ड देगा, 3500 रुपए देगा तो कोई फायदा नहीं है उसमें, आप इसको 10 बार बदल लोगे उसमें ज्यादा अच्छा ही वो अच्छा रहेगा ज्यादा। उसके बाद में लेकर डलवाया, ये भी बाहर डलवाया, ये भी 1000 रुपए का डलवाया अपन ने, 1000 रुपए का लेकर डलवाया अपने, 1000 रुपए में डलवाया ये भी, बाकी ये कंपनी में डलवाया, ये इन्होंने 3500 रुपए का दिया है। हाँ, तो ये कंपनी में जाओगे तो भैया ये तो आपको लगना ही है क्योंकि कंपनी की रॉयल फील्ड की एसेसरीज बहुत महंगी है जो कि मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाता हूँ जल्दी। इंजन की सेफ्टी के लिए लगवाया है, ये भी 3500 रुपए का। अच्छा, ये इंजन गार्ड भी लगवाया आपने ना? तो ये कंपनी से लगवाया? ये भी कंपनी से लगवाया, बाहर भी बहुत सस्ता है, 800 रुपए के भाव पे। 3500 का क्या बोलते हैं आपको कंपनी से लगवाया है ना, और बाहर 800 का, ये आपने बताया 500 का, ये कंपनी में 3500 का। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी करेगी इसमें और गाड़ी जो है उससे काफी इनहेंस भी हुई है, बढ़िया देखने को लग रही है। एक बार इसको चला के देखेंगे, कलर भी कम से कम 10 कलर है इसके अंदर। अच्छा 10 कलर है, 10 कलर थे तो आपको पसंद आया ब्लैक के होगी ना अपन? अच्छा ब्लैक पसंद आया, ब्लैक के साथ में हल्का सा ग्रे इसमें दे रखा है तो वो काफी शानदार भी लग रहा है देखने में। हालांकि इसके लगभग मैंने 3-4 कलर देखे हैं और तीनों चारों कलर मेरे को सारे पसंद आए हैं, इसलिए कि यार ये गाड़ी नई जनरेशन की बुलेट कहलाएगी क्योंकि यार ये गाड़ी थोड़े अलग लेवल की बनाई है और पर्सनली जो है नई जनरेशन के लोग जो हैं उनको ये गाड़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये चीज़ें आप जो है इस चीज़ को समझें देखें, और अगर आप क्लासिक बुलेट वगैरह लेने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड की तो एक बार शोरूम में जाके इस गाड़ी को ज़रूर ट्राई करें। मेरा मन बना है, मतलब मैं किसी को राय दूंगा बुलेट लेने से तो अगर आप एक वो होता है कि यार नहीं यार बुलेट ही दिमाग में रहता है क्योंकि बुलेट लवर होते हैं ना वो फिर किसी सुनते नहीं है, वो तो बोलते हैं कि नहीं भैया बुलेट मतलब बुलेट, लेकिन भाई एक बार जाके इसको ट्राई करो तो आपको अपने आप समझ में जाएगी कि बुलेट से बेटर क्यों है ये। काफी कंफर्टेबल है,
इतनी कंफर्टेबल सीट है कि आप बैठोगे पता भी नहीं चला। सबसे मेन चीज मेरे को इसमें लगी जब इसमें बैठा तो बैठने के बाद में ये गाड़ी ऐसे तो बहुत कंफर्टेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब इसमें आप बैठोगे इसके जो हैंडल की पकड़ है ये आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देगी। और साथ में इसमें आपको जब जब इसको रोड पे लेके चलेंगे तो इतना सा भी जरा सा भी आपको इसमें जो है इधर से हैंडल इधर से होने का जो है चांस नहीं रहेगा। मतलब ये कि इतना कंफर्टेबल इसको सामने देखने को मिल रहा है। 60-70-80 की स्पीड चलाएंगे तो बहुत जो है गाड़ी रोड से चिपक के चल रही है और बिल्कुल भी डिसबैलेंस जैसा मामला नहीं देखने को मिल रहा है। कभी कभी आप बुलेट चलाते होंगे तो आपको थोड़ा सा डर भी लगता होगा क्योंकि उसका हैंडल हल्का होने, मतलब हैंडल भारी है, गाड़ी भारी है लेकिन हैंडल हल्का होने की वजह से आपको थोड़ा बहुत डर लगता होगा, लेकिन ये गाड़ी उस हिसाब से बिल्कुल नहीं है। ये गाड़ी चला के देखिए और अपना फिर एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट में शेयर करिए। हालांकि जिसके पास में ये गाड़ी है वो भी आप मुझे जो है सारी चीज़ें कमेंट में शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ बता सकते हैं आपके पास में ये गाड़ी है, कितना आपने चलाया है, कैसी क्या लगी आपको। पर्सनली मेरे को साउंड बहुत मज़ा आया इस गाड़ी को चलाने में। और दूसरी बात ये कि इसका जो कम्फर्टेबल है साथ में इसके जो स्टेबिलिटी है वो रोड पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये 3-4 चीज़ों की वजह से मैं इस गाड़ी का फ़ैन बन चुका हूँ। फिलहाल मैंने आपको ये रिव्यू दिया और हमारे साथ में वसीम भाई भी जुड़े थे, वसीम भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया सारी चीज़ बताने के लिए। वसीम भाई आज के ज़माने में बुलेट छोड़ के आपने ये 350 हंटर ली, इसका क्या रीज़न था मतलब कि और क्यों लेना चाहिए? रीज़न इसका ये था, पहले तो ये स्पोर्ट्स बाइक है। हाँ। स्पोर्ट्स बाइक मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा। और प्लस ये हल्की गाड़ी उससे अच्छा आप एक, एक, भी रहेंगे, एक और चीज आपकी सेफ्टी भी मिलेगी आपको, तो आपको पसंद क्यों नहीं आएगी। एक चीज पॉइंट वाली ये भी बोली कि स्पोर्ट बाइक भी लग रही है और बुलेट भी लग रही है, दोनों चीज का आपका शौक पूरा हो रहा है ये इस हंटर 350 में। तो ये बहुत नोटेड पॉइंट है। इस पॉइंट में मतलब ये चीज बहुत वो है कि मतलब आपको ये स्पोर्ट भी लग रही है और बुलेट भी लग रही है, बुलेट का शौक भी हो जाएगा। 350 मिल रहा है, 350 से क्लासिक से क्लासिक अभी कितनी गाड़ी थी? क्लासिक गाड़ी थी 2,65,000। 2,65,000 और ये आपको मिल रही है 50,000, 60,000, 60-65,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है आपको सीधे सीधे इस गाड़ी में। तो मेरे हिसाब से तो वसीम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब से जाना चाहिए। बुलेट लवर थे कि नहीं थे आप? मैं बिल्कुल लवर था, बुलेट लवर थे, लेकिन बुलेट लवर से आप चैनल इस बार सब्सक्राइब कर रखा था। अच्छा, हमारे चैनल देखते थे आप शुरू से ना, सलीम भाई की बुलेट मॉडिफाइड वीडियो भी देखी होगी, तो बुलेट के ये शौकीन भी थे, बुलेट लवर भी थे। मैं बुलेट लवर से इतना कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं बुलेट लवर नहीं हूँ शुरू से, लेकिन हाँ वीडियो बनाने में मेरे को काफ़ी मज़ा आता था, बुलेट चलाने में काफ़ी मज़ा आता था, लेकिन इस गाड़ी को चलाने के बाद मैं बुलेट छोड़ के इसका फ़ैन बन गया। और मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल की जो नई जनरेशन है उसको कह सकते हैं कि ये नई जनरेशन की बुलेट है आपके सामने। अच्छा, चार्जिंग पॉइंट वो तो आजकल के हर गाड़ी में लगभग देना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल के जनरेशन के हिसाब से समझ में आ गया है कि लोगों को मोबाइल बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। हालांकि इसमें स्टैंड वगैरह और लगा के देते तो और जो है ये वैल्यू फॉर मनी होती, लेकिन कोई बात नहीं, जितना है उतना अगर आप बाहर से लगाओगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, कंपनी में जाओगे तो मेरे ख्याल से वो 1200-1300 तो ऐसे ही बोल देंगे वो। तो ये चीज़ें हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि आपको मैंने दिखाने की कोशिश करी है। एक ये पहला अपना जो है ओनरशिप रिव्यू होने वाला है अपने YouTube चैनल पे, पहला ओनरशिप रिव्यू होने वाला है जो कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं, और आपके अभी आगे आपको इस तरह के ओनरशिप रिव्यू देखना है कि नहीं देखना है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होंगी मुझे पता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं भूला भी होऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे इसको सुधार नहीं कर पाऊँगा, आगे बहुत ज़्यादा सुधार करेंगे। और जो है हर एक पॉइंट जो इसमें बताना चाहिए, जो नहीं बताना चाहिए, जो आपको लेने के लिए आपको जो है बताना ज़रूरी भी है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये सिर्फ कमेंट करके बताएं, और वसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ में जुड़े हैं। और वसीम भाई की गाड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है, मैंने इनको आते से बोला था कि वसीम भाई गाड़ी आपकी जो है मतलब बहुत सही साइड जो है आपने चॉइस करी है, बुलेट छोड़ के आपने ये जो डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया डिसीजन लिया है। तो आप भी अगर आप मन बना रहे हैं बुलेट लेने का तो एक बार कंपनी में जाके इसको ट्राई करें, उसके बाद में आप कमेंट करके बताएं कि मैंने आपको ये बताया या वसीम भाई ने ये बताया सही है कि गलत, ये चीज़ आप कमेंट में आके बता सकते हैं। गाली देना तो गाली भी दे सकते हैं। बिल्कुल। कहीं हो सके तो बुलेट लवर बोले नहीं यार भैया बुलेट बुलेट का लेवल अलग है, लेकिन भाई जमाने के हिसाब से बदलना पड़ेगा, जमाने के हिसाब से नई जनरेशन में आपको आना है, तो बुलेट को अगर नई जनरेशन में लाना है तो ये आपके लिए बुलेट बिल्कुल जो है परफेक्ट हो सकती है, हंटर की 350। और सबसे मेन चीज़ चला के देखिए, सब चीज़ आपको ये समझ में आएगी। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट सब आप अपने सबसे कर सकते हैं, जो भी आपको कमेंट में अच्छा लगे वो बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके की ओनरशिप रिव्यू जो है देखने के लिए। बहुत जल्दी बहुत सारे जो है ओनरशिप रिव्यू आने वाले हैं, धड़ाधड़
बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि यार एक ओनरशिप भी बनाए, मैंने बोला कि एक सही गाड़ी, एक सही दिन, एक सही पॉइंट होना चाहिए। आज हमारे पास में सही गाड़ी है, सही दिन भी है और सही आदमी भी है। वसीम भाई हमारे साथ में जुड़े हैं बहुत लंबे टाइम से, हमारे साथ में लोडिंग गाड़ी का जो है काम कर रहे हैं अभी। वसीम भाई, लोडिंग गाड़ी, वसीम भाई जो है इंदौर में लोडिंग गाड़ी का बहुत बड़ा जो है अपना कारोबार है यहाँ पे। देख सकते हैं अभी पीछे जो है लोडिंग शोरूम है, ये पूरा यार्ड है। यहाँ पे वीडियो बनाने आया था मैं, लेकिन मैंने बोला कि वसीम भाई आपकी गाड़ी का एक रिव्यू बनाते हैं ताकि जो है हमारे जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, उनको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा, नया कंटेंट देखने को मिले। तो वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। वसीम भाई आखिर में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आपके, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। चलिए ठीक है, तो ये गाड़ी एक बार चला के दिखाते हैं आपको, लास्ट में कैसी क्या आवाज़ है ये सब आपको बताएंगे चला के। तो इस गाड़ी का असली मजा है वो इसको चलाने में, तो इसको चला के दिखाते हैं आपको, साउंड सुनाते हैं। कमेंट करके बताना लास्ट में कि कैसा आपको साउंड गाड़ी का जो है बैलेंस वगैरह लगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो साउंड है ना भाई, मैं इसका फैन हो चुका हूँ। वजह ये है कि ये जो साउंड आपको बुलेट में देखने को नहीं मिलेगा, और स्पोर्ट बाइक का साउंड है 350 सीसी इंजन में, बहुत ज़्यादा उसका साउंड बना रही है। एक बार कमेंट में इसका साउंड जो है मुझे बताना कैसा क्या लगा आपको। मेरी पर्सनल चॉइस से बताऊं कि यार मैं तो इस गाड़ी का फैन हो गया हूँ साउंड की वजह से, और उसके साथ में जो है इसके स्टेबिलिटी की वजह से। आप इस गाड़ी को एक बार चला के देखें, वीडियो में आपको इसका साउंड कैसा लगा, गाड़ी की जो है लुक कैसा लगा और गाड़ी की जो है परफॉर्मेंस कैसी लगी, हमारे ओनरशिप रिव्यू का कैसा लगा, ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में लास्ट में बता सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ओनरशिप रिव्यू में इसी तरीके की नई नई गाड़ी लेके। और आपको मैंने बताया जैसे कि ये फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू था हमारा, इसके अलावा हमारे पास में अभी जो है आने टाइम में बहुत सारे ओनरशिप रिव्यू आने वाले हैं, जिसमें आपको इस चीज़ों में जो है मतलब थोड़ी बहुत गलती जो हुई होगी उसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। कमेंट में आप बताना कि क्या चीज़ मुझे इसमें जो है ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना।